जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर स्टार यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौतम गंभीर के बारे में। गौतम गंभीर जो कि एक्स प्लेयर हैं इंडिया क्रिकेट टीम के, और 2011 का वर्ल्ड कप जो जीता था उसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। 97 रन की उन्होंने पारी खेली थी और भारत की जीत में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब गौतम गंभीर बन गए हैं इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच। राहुल द्रविड़ थे अभी, अब राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करके गौतम गंभीर को यहां पर हेड कोच बनाया गया है। अब काफी मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि गौतम गंभीर का के बारे में रीडिंग कीजिए, गौतम गंभीर के बारे में कोई प्रेडिक्शन कीजिए कैसा रहेगा। तो थोड़ा टाइम निकालकर मैंने गौतम गंभीर के बारे में रीडिंग की है कि उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, क्या कुछ है। बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं इस रीडिंग में। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी मुझे कार्ड्स में यहाँ पर दिख रहा है बहुत चौंकाने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बेल आइकॉन वहां पर दिखेगा, बेल आइकॉन को टैप कर दीजिए। टैप करने से क्या होगा कि अगर आप बेल आइकॉन को टैप करेंगे तो कुछ ऑप्शंस वहां पर आएंगे, उसमें से ऑल को आपको सिलेक्ट करना है, जिससे इस वीडियो पर जब भी कोई वीडियो, इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उनके लिए नंबर है 9174488360, ये मेरा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि आपका नाम लिख के कि मुझे कंसल्टेशन लेना है, तो आपको 24 घंटों के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। पहले तो मैं कार्ड्स यहाँ पर आपको, देखिए पूरे कार्ड्स बताना मुश्किल होता है, फिर वीडियो भी बड़ा हो जाता है, तो मैं बोलकर बता देता हूँ। द टावर कार्ड, नाइट ऑफ एंड्स और चैरियट कार्ड आया है। उसके बाद कार्ड्स यहाँ पर है थ्री ऑफ एंड्स, एट ऑफ एंड्स, उसके बाद टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल और फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, द मैजिशियन कार्ड, और उसके बाद फोर ऑफ वेंड्स, एट ऑफ वेंड्स और सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड है। और ये हमारा यूनिवर्सल कार्ड है द मून। अब देखिए गौतम गंभीर का कार्यकाल कैसा रहेगा, इनका टेन्योर कैसा रहेगा। फिलहाल इनको जो नेट पर डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार 31 दिसंबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा, 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक का। अब यहां पर देखिए कार्यकाल कैसा रहेगा, तो यहां पर कार्ड है द टावर, नाइट ऑफ फ्रेंड्स, द टावर, नाइट ऑफ फ्रेंड्स और चैरियट कार्ड। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं अच्छे से, तो ये तीन कार्ड है यहां पर। देखिए ओवरऑल जो टेन्योर है इनका एज अ हेड कोच, इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच के पद पर रहते हुए ओवरऑल जो इनका टेन्योर है वो विवादों से भरा रहेगा। आप देखिएगा अभी श्रीलंका टूर होने वाला है इंडिया का, तो वहां पर पहले अभी तक जो न्यूज आ रही थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है 3 मैचेस से, जो 3 मैच की वनडे सीरीज होने थी। लेकिन अभी जस्ट मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले एक न्यूज अभी मैंने देखा कि इन्होंने डिमांड की है कि ये तीनों प्लेयर मुझे श्रीलंका के लिए वनडे सीरीज में चाहिए। और ये देखिए बहुत मुखर व्यक्ति हैं और एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, बहुत मुखर व्यक्ति हैं, और कई बार आपने कमेंट्री में भी इनको सुना होगा, विवादों से भी इनका नाता रहा है आईपीएल में, विराट कोहली से भी इवन अनबन हो चुकी है इनकी। तो ये मुखर व्यक्ति हैं और इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि भाई मुझे फ्री हैंड चाहिए, मुझे किसी का दखल नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड शो कर रहे हैं इनका टेन्योर विवादों से भरा रहेगा, चोली दामन का साथ रहेगा कहीं ना कहीं, और समय समय पर इनका देखिए अगर वैसे देखे तो एज अ हेड कोच ओवरऑल जो इनका परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा रहेगा, इनका भारतीय क्रिकेट टीम
इंडिया की जो जो क्रिकेट टीम है उसको ये आज से आगे मतलब 3 साल 4 साल आगे का सोचकर ये तैयारी करेंगे, और एक एग्रेसिव टीम बनाने पर इनका फोकस रहेगा कि टीम इंडिया को जैसे ऑस्ट्रेलिया है वैसे एग्रेसिव बनाए, ताकि एग्रेसिव मोड पर आने के बाद टीम अच्छा परफॉर्म करे। और ये भी है, देखिए बाद में आगे जाकर ये भी कुछ इशू हो सकता है कि कुछ बड़े खिलाड़ी या स्टार खिलाड़ी, में नाम नहीं लेना चाहता, जो टीम इंडिया में अभी है, तो स्टार खिलाड़ी को शायद ये ड्रॉप करें आगे जाकर, अभी नहीं। ठीक है, तो इनका ऐसा टेन्योर रहेगा फिलहाल। ठीक, ओवरऑल देखें टेन्योर तो ठीक है, लेकिन समय समय पर ये कहीं ना कहीं खबरें आती रहेगी मीडिया में कि कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, एक सामंजस्य इनका थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। क्या इनके टेन्योर में टीम इंडिया कोई ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी, अब स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी, ये दो ट्रॉफी मेनली होने वाली है अभी बड़ी आईसीसी की अगले साल 2025 में। तो फिलहाल तो यहाँ मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ इनके कार्यक्रम, हालांकि यहाँ पर कप्तान का भी जो है इनपुट वो मायने रखता है, कप्तान के रीडिंग और बाकी प्लेस, फिर डेट टाइम प्लेस वो सब भी मायने रखता है। हालांकि फिलहाल अगर इन चैनल देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दो या आईसीसी ट्रॉफी मुझे नहीं लगता कि कुछ इनके कार्यकाल में शायद आए, हालांकि मेनली कप्तान का मायने रखता है। उसके बाद अगर देखें तो इनका टेन्योर 4 साल का कैसा रहेगा, तो उसके लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। देखिए देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स, उसके बाद कार्ड हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए 2024 तो काफी अच्छा रहने वाला है इनके लिए, ये साल जो बचा हुआ टाइम है 2024 अच्छा रहने वाला है, और एक बड़ा जो बायलेटरल सीरीज, अब देखिए जहां तक मुझे नॉलेज है अभी बायलेटरल सीरीज जो बड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है साल के आखिरी में, उसके अलावा तो अभी शायद श्रीलंका से है और न्यूजीलैंड से है, लेकिन बड़ी सीरीज की जैसे हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट मैच की सीरीज, तो बड़ी सीरीज 2024 में ही शायद वो है, तो वहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इनसे और टीम इंडिया से। 2025 भी ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा ये, अगले साल मतलब हो सकता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद इनका फोकस युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा रहे, युवा खिलाड़ी जैसे सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पंड्या, जो फ्यूचर के लिए जिनको देख रहे हैं तो उन पे ज्यादा रहेगा। और अभी देखिए जैसे मैंने बोला कि कुछ बड़े स्टार खिलाड़ी को शायद ये ड्रॉप करें कुछ समय के बाद, तो ये यहाँ पर भी दिख रहा है, दोनों कार्ड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आता है 2026, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी मुझे दिख रही है कि ये जो भी चीजें यहाँ 2024 या 25 में जो करने वाले हैं, तो उसके बाद 2026 में जरूर परेशानी शायद हो सकता है कि इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, या ये ब्लंट हो के कुछ बोले, ब्लंट डिसीजन लें और खुद ये इनका करें। अभी जैसे आपने देखा होगा कि इन्होंने डिमांड भी की है कि मुझे बॉलिंग कोच ये चाहिए, सहायक कोच के लिए जो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो स्टाफ है इनके कोच का, तो वो इन्होंने डिमांड की कि मुझे ये लोग चाहिए, तो यहाँ पर 2026 में जरूर प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये है कि हो सकता है गौतम गंभीर अपना टेन्योर पूरा नहीं करें, आप सुनकर ये चौंक सकते हैं या आपको शायद भरोसा नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता दिख रहा है कि यहाँ पर गौतम गंभीर अपना हेड कोच का जो टेन्योर है पूरे 2027 तक का वो पूरा नहीं करें। उसके बाद अगर ये मान लो 2026 में जो परेशानियां होती है, इश्यू होते हैं, तो उसके बाद अगर ये कंटिन्यू करते हैं, कहीं वो विवाद सुलझ जाते हैं, तो 2027 काफी अच्छा रहने वाला है एज ए हेड कोच ऑफ इंडिया मेंस क्रिकेट टीम। अब देखिए
मेनली दो बड़े खिलाड़ी हैं अभी इंडिया की क्रिकेट टीम में, एक तो रहे रोहित शर्मा, सीनियर खिलाड़ियों की बात करें, और दूसरे विराट कोहली। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ इनके कैसे टर्म्स रहेंगे, तो देखिए रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के जो रिलेशन है कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन ये देखिए द फूल कार्ड और फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अगर आप देख पाए तो द फूल कार्ड और फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो रोहित शर्मा के साथ रिलेशनशिप ठीक ठाक रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करने वाले हैं। विराट कोहली के लिए के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, तो ये कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स और द मैजिशियन कार्ड, तो यहां पर भी प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ जो अभी मैंने बोला कि ये कोई स्टार खिलाड़ी को ड्रॉप करके युवा पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो देखिए ये 2026 का ये जो कार्ड है, ये सारे कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये परेशानी होगी 2026 में। अगर 2026 का साल ये निकल जाता है, ये बने रहते हैं, तो फिर पूरा टेन्योर करेंगे, अदरवाइज 2026 में परेशानी जरूर। और फिर ये टावर कार्ड भी यहाँ पर है, अब इसीलिए मैंने देखा कि क्या ये पूरा टेन्योर करेंगे, तो वो उसके लिए भी कार्ड्स कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है। फोर ऑफ हैंड्स है, एट ऑफ कप्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत प्रबल योग है कि 2026 में या उसके आसपास, मतलब हो सकता है कि 2025 का एंड या 2027 की शुरुआत, ये वहां पर ऐसी स्थितियां बने कि ये हेड कोच का जो पद है इंडिया की क्रिकेट टीम का वो छोड़ दें। जो मेन कार्ड या यूनिवर्सल कार्ड द मून कार्ड, तो ये भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं परेशानी तो आएगी गौतम गंभीर को। तो ये थी रीडिंग गौतम गंभीर के बारे में, आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप प्रेडिक्शन चाहते हैं, रीडिंग चाहते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।